टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर बीते कई महीनों से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें आपको कि महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2019 विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से भारतीय टीम के लिए एक भी मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में एक भी मुकाबला नहीं खेलने की वजह से अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि धोनी बहुत जल्द क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी हाल ही में कहा था कि क्रिकेट छोड़ने का फैसला या संन्यास लेने का फैसला धोनी का निजी फैसला होगा और उसमें कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। बड़ी बात यह है कि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जिस तरह की बातें कही गई, अब खबर यह आ रही है कि धोनी ने क्रिकेट में वापसी का मन बना लिया है और अगले साल वर्ल्ड T20 2020 खेलकर ही रिटायरमेंट लेंगे। बड़ी बात यह है कि धोनी अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर भारतीय टीम के पास अच्छे विकल्प फिलहाल तो मौजूद हैं, लेकिन कौन बेहतर होगा ये तय नहीं है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर धोनी अगर वापसी करते हैं तो भारत को अगले साल वर्ल्ड T20 के लिए एक मजबूत विकेटकीपर बल्लेबाज और एक मजबूत फिनिशर मिल जाएगा। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।